नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल के सारणी बचाव के तहत बंद सफल रहा। पिछले कई दिनों से सारणी बचाव के अभियान के तहत विद्युत नगरी सारणी में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत शुक्रवार को बंद रखा गया। इसमें व्यापारी ने अपना समर्थन देते हुए बंद को सफल बनाया। सारणी बचाव समिति ने सारणी में पावर प्लांट लगाने और खदानें खोलने और रोजगार संबंधित उपक्रम लगाने की मांग की है। समिति का कहना है कि वर्तमान सरकार ने कई बार घोषणा की है कि जिस पर आज तक घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। स्थिति ये हो गई है कि लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं और सारणी कभी खूबसूरत था और आज पूरा का पूरा खंडर में तब्दील हो रहा है, जिसमें लोग आज आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। जिसमें आज बंद पूरी तरह सफल रहा, जिसमें सारणी से वाहन रैली निकाली गई, जो सारणी पाठाखेड़ा बगडोना के स्वागत द सारणी बंद को सफल बनाने में सारणी बचाओ समिति का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजसेवी, व्यापारी और पत्रकार और व्यापारी बंधुओं, स्थानीय नागरिकों ने समर्थन किया। मार्केटिंग हेड दीपक वर्ते की रिपोर्ट।